क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज फॉर फिफ्थ चैप्टर। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इसकी वैसे हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आपने देखा भी होगा। हमने 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट किया था, हमारी फिफ्थ चैप्टर हो गया है और सिक्स चैप्टर कम्प्लीट है वहाँ पर। बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 5.1 भी कराई जाए, क्योंकि उस लास्ट ईयर तो क्या था कि जब हमारा सिलेबस 5.1 तक हो गया था तो हमने 5.2 के बाद से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी, उससे पहले ऑफलाइन हो जाता था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5.1, ताकि आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से फिफ्थ और सिक्स चैप्टर करके अपनी दो यूनिट्स कंप्लीट कर सको। तो सिक्स चैप्टर में भी बता देना कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है, उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो पहले आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें काफ़ी थ्योरी है, बड़े ध्यान से समझना, फिर एप्लीकेशन तो काफ़ी आसान है कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसको वो क्या कर रहे हैं, स्फीयर के ऊपर मैप करवाना चाह रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो हमारे पास देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस टाइप का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। और आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम टू डायमेंशनल प्लेन से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो ना, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ऐसे लिख देते हैं हम। और फिर आपके पास कोई भी अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 2 + iota 3 सपोज दिस, तो एक्स एक्सिस पे 2 ले लो और वाई एक्सिस पे 3 ले लो। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम R2 के साथ मैप करवा सकते हैं, ऐसे दिस इज R2 टू टप्पल में, है ना। तो ये चीज़ तो हमें पता है, बिल्कुल बेसिक है ये तो। बट अब क्या करने हैं कि अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि कॉम्प्लेक्स के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम एक मैपिंग बनाएं। एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, जिसमें देखो आप देख सकते हो ध्यान से, हमेशा जो भी प्लेन होता है टू डायमेंशनल उसको हम एज ए कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला प्लेन है दिस इज एक्स वाई प्लेन, जैसे ये वाला एक्स वाई प्लेन है, तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। और इसको हम इसके ऊपर मान लो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इनको बना सकते हो इस प्लेन के ऊपर। तो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर हम क्या चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को ना एक स्फीयर के ऊपर मैप करवा के देखें, क्या एक 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिल सकती है। आप खुद ही सोचो कि एक स्फीयर लिया हमने, सपोज 1 रेडियस का लिया या फिर हाफ रेडियस का ही ले रखा है। ये तो मैंने देखो, ये है ओरिजन और ये है इसका सेंटर एंड दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट। डायमीटर के तीनों पॉइंट्स लिख करके हमने सेंटर, ये वाला ओरिजन है, तो देखो ये वाला गैप हमने कितना लिया, 0 से 1/2। तो सिर्फ हमने हाफ रेडियस का एक स्फीयर बनाया, इतना छोटा स्फीयर, और वो क्या कर रहा है, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस देगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा सबसे बड़ा प्लेन माना जाता है, रियल से भी बड़ा हो गया ना वो तो। तो ये अब सोचने की बात है कि एक छोटा सा स्फीयर किस तरह से एक पूरे प्लेन के साथ 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी मैप ए स्फीयर इनटू ए प्लेन दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। फाइनाइट नहीं है ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस इतना ही बनाया है। लेकिन आपको पता है कॉम्प्लेक्स प्लेन इस साइड भी इंक्रीज होगा, पीछे की साइड भी है, आगे की साइड भी है और राइट साइड भी है, हर तरह से ये पूरा फैला हुआ है ना, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्स की भी और वाई की भी दोनों साइड से। तो ये प्लेन हमारा काफ़ी बड़ा है आगे पीछे तक। अब हमें क्या करना है, इस स्फीयर से इस प्लेन के ऊपर एक मैपिंग बनाकर दिखानी है। किस तरह से बनाएंगे, आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्लेन है इसके ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। ये प्लेन है, इसके ऊपर आप पॉइंट्स कैसे काउंट करोगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। स्फीयर के ऊपर भी कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट पॉइंट्स। बट मैपिंग कैसे बनाएं, क्योंकि दिखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा है ना आपको, एज कम्पेयर टू नीचे वाले प्लेन की, नीचे वाला प्लेन तो बहुत ज़्यादा है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। तो मैपिंग बनाने का तरीका क्या सोचा गया, कि सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर जो सबसे ऊपर है
इस पॉइंट को वो बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम उन्होंने दे तो रखा था, शायद नोड बोला गया है इसको, कोई बात नहीं इसमें देख लेंगे हम थ्योरी में बाद में। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सिर्फ इस पॉइंट की हमारे पास कोई मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सारे पॉइंट्स की हम क्या कर देंगे, वन वन मैपिंग बना देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। कैसे बनाएंगे देखो, मैंने यहाँ पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर आप जैसे ही ये पॉइंट लोगे वैसे ही आपने क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मीट करना है, एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे ही आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं तो इस स्फीयर को टच करेगी वो, है ना कहीं वो करने वाली है। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट ऑफ द स्फीयर एंड दिस पॉइंट ऑफ द प्लेन, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की इमेज ये बता देंगे, वन वन ही मिलेगी, वन एक से अलग तो मिलेगी नहीं क्योंकि एक ही बार कट करके जाएगी एक लाइन एक स्फीयर को। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स वाई जीरो ये वाला जो पॉइंट लिया है हमने क्यू, इस क्यू की मैपिंग क्या आने वाली है, दिस पॉइंट पी कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इस तरह से मिलेगी हमें। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, सपोज दिस इज क्यू डैश, कोई भी पॉइंट लिया, अब आप इसको टच करवा के देख लो, ऐसे मिलाओगे, अभी भी ये एक ही पॉइंट को टच करेगा, है ना, इस साइड ही करेगा। और ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर का मतलब थ्री डायमेंशनल। अब ध्यान से सोच लो, दिस इज अ स्फीयर और अगर हम नीचे ले रहे हैं एक पेपर, दिस इज अ पेपर, ठीक है, ऐसे नीचे की साइड पेपर है, तो आप इस स्फीयर के ऊपर वाले पॉइंट से कहीं पर भी कट करके देख लो, जितना भी प्लेन आपका होगा वो उस वाले प्लेन से जैसे ही आप कट करोगे ना, तो बीच में एक पॉइंट को जरूर कट करके जाएगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पर ले लो आप, तो भी आप इससे इसको मिलाओगे, एक पॉइंट मिला हमें। थोड़ा सा और दूर ले लो, ये लिया हमने पॉइंट, प्लेन तो हमारा आगे तक है, ऐसे ही आप इसको मिला के देख लो, ये पॉइंट मिलेगा, है ना। तो आप कितना भी आगे पीछे ले लो, ऐसे कितना भी दूर ले लो, कितना भी पास ले लो, आपको हमेशा एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और वो भी यूनिक ही मिलेगा, तभी हम वन वन कह रहे हैं इसको, इससे अलग नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के लिए आपको दूसरा और पॉइंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वन वन है ये मैपिंग। इसके पीछे भी है, जैसे इस प्लेन के आप पीछे की साइड देखो तो उन पॉइंट्स को भी कट करके देखोगे तो वो पीछे की साइड कट कर जाएगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनल है ना। तो ये हम वैसे तो बॉडी ऊपर दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाना कि दिस इज टू डायमेंशनल वैसे दिखाने को, बट असली में ये थ्री डी में है। अब ये बॉल है और इसके नीचे मैंने ऐसे एक प्लेन लगा दिया, सपोज दिस इज आवर प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है और इसके ऊपर मैंने ये वाली बॉल रख दी है। अब ये जो प्लेन है ना, देखो ये पीछे की साइड भी है और जो बॉल है वो भी तो पीछे की साइड है ना, दोनों साइड है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा फ्रंट वाला पोर्शन दिखाने की कोशिश की है, सिमिलरली फॉर बैक के लिए भी होगा, पीछे भी तो सेम ही बिहेव करेगा। तो आपको समझ लेना है कि दिस इज थ्री डी में बिहेव कर रहा है। अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो तो यहाँ पर ये एक ही बार टच करेगा, तो दैट मीन्स दिस इज ए वन वन मैपिंग, हमेशा मिलेगा आपको। कोई भी पॉइंट लेके देख लो, कितना भी दूर ले लो, कितना भी पास ले लो, आपने यहाँ लिया बिल्कुल इसके पास तो ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ऐसे है ना, ऐसे आपको मिलते जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स मिलते जाएंगे इन वाले पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक मिलेगा। आप मान लो बहुत ज़्यादा दूर ले रहे हो, इससे बोर्ड से भी बहुत बियॉन्ड है, तो आपको इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर लोगे तो ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा इसके बिल्कुल पास, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा। तो हमेशा हमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ दिस प्लेन, इसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्लियर। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा एक मैपिंग मिली है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक स्फीयर के ऊपर बाउंड करवा सकते हैं। आप सोचो एक पेपर है आपके पास, आपने उस पेपर को ना ऐसे फोल्ड करके एक बॉल बना दी, है ना, तो ये वही काम कर रहा है कि ये जो पेपर है, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स प्लेन है अपना, इसको हमने जैसे ही फोल्ड किया दिस विल बिकम ए स्फीयर, वही कहना चाहता है ये, क्योंकि अब जो लास्ट वाले पॉइंट है दीज आर इन्फिनिटी, तो ऊपर वाले पॉइंट्स को मीट करने पे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ ये जो ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट है इसकी मैपिंग हमें नहीं मिलती है, बाकी सारे पॉइंट्स की मैपिंग हमें मिल जाती है। एक तो ये चीज़ थी।
अब ये भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन दो तरीके से होती है। एक तो मैंने जो आपको यहाँ पर डायग्राम में बनाकर दिखा रखी है, फर्स्ट वन क्या किया हमने, एक स्फीयर लिया जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज ए, इसको हटा देते थोड़ा सा, रुको, ये हमारा सेंटर है, दिस इज ओरिजन। दो टाइप से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिफाइन किया गया था। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर तो आप ओरिजन ले लो, और मतलब कि जहाँ पर ये प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है, हमने सोचा कि प्लेन को कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजन पे। दिस पॉइंट इज 0 0 1/2। हमने रेडियस कितनी ली, 1/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप अपना 1/2 है, तो सीधी सी बात है ये 0 0 1 आएगा। तो ये देखने वाली बात है कि दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई जीरो होते हैं ना, और जेड जेड की वैल्यू होती है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये हो गया। एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसमें जेड का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, तो ये हमारे पास जेड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। मैंने लिखा है एक्स कोमा वाई कोमा 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और इस स्फीयर के हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पर कि हम 2 डायमेंशनल प्लेन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3D के अंदर। 3D को देखो, हमने हमेशा क्या किया, 2 कोऑर्डिनेट्स को 3 कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हैं, 1-1 मैपिंग बना रहे हैं ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखने जा रहे थे कि हम कैसे एक 2 डायमेंशनल प्लेन को कन्वर्ट कर सकते हैं 3D के अंदर। तो हर एक मैपिंग हमें मिल रही है 1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट पर, एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ और देखना कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है अपना, दिस इज इन 2 डायमेंशनल, तो यहाँ पर हमारे पास जेड एक्सिस नहीं है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या लिखा है, एक्स वाई जीरो, जेड नहीं है ना। एंड ये वाली जो एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट है 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 1/2 0 0 1, मतलब कि सिर्फ जेड वाले पॉइंट्स हैं इस तरह से। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज इन 3D, इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है। कैपिटल वाले इसलिए लिख दिए क्योंकि ये स्फीयर के हैं, और जो प्लेन वाले हैं उनको हम स्मॉल वाले कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से वाला किसका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं। स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल एक्स माइनस सेंटर का स्फीयर, कैपिटल वाई माइनस सेंटर का स्फीयर, कैपिटल जेड माइनस सेंटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर ना। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी इक्वेशन है, दिस इज द स्फीयर। और अब हमने ये देखना है कि कैसे हम एक पॉइंट, अगर मैं आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दे दूं तो आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब हम इनकी इक्वेशन निकालनी सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि ये जो हमारे एन पी और क्यू तीनों पॉइंट्स हैं, दीज आर कोलिनियर, एक ही लाइन के अंदर है। अगर एक ही लाइन के अंदर है तो इनकी जो डायरेक्शन रेशोज हैं दिस विल बी प्रोपोर्शनल, सेम होंगी ना डायरेक्शंस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप एन पी की डायरेक्शन निकालो, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो और कैपिटल जेड माइनस 1, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस 1। सिमिलरली आप एक्स वाई जीरो इसकी भी निकाल के देख लो, इसके इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल दो, कॉन्स्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकते हो, बट वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिक्स हो जाएंगे, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस जीरो y माइनस जीरो एंड 0 माइनस 1। तो यहां से देखो जिसकी वैल्यू निकाल सकते हो उसकी निकाल दो, कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x की वैल्यू निकाल दो। देखो स्मॉल x इज इक्वल टू x बाय 1 माइनस z और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल बाय y बाय 1 माइनस z। अब हमने ये देखना चाहते हैं कि कैसे हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जेड इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।
हमारे पास ये रिलेशन है, इसका भी तो यूज कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए हमें, तो क्यों ना हम इन दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें। एक बार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखते हैं। कैपिटल एक्स का स्क्वायर, कैपिटल वाई का स्क्वायर, 1 माइनस कैपिटल जेड का स्क्वायर, ये बनेगा। अब हम यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमारा जो पूरा ये वाला स्टेटमेंट है राइट हैंड साइड वाला, दिस विल इन ऑल जेड में, सारा का सारा जेड में हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल देंगे, तो फिर उसके बाद देख लेंगे आगे किसी और की भी निकाल सकते हैं या नहीं। तो क्यों ना हम इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, 1/4 माइनस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड बाय 1 माइनस जेड की पावर 2। चलो ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस कैपिटल जेड, दिस बाय 1 माइनस कैपिटल जेड का स्क्वायर। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर और प्लस ऑफ जेड, तो माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड, और ये हमारे हो गए खत्म। जेड को कॉमन ले लो, जैसे ही आप जेड कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस जेड बच जाएगा। तो यही किया हमने, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल कर दो, जेड बाय 1 माइनस जेड ये बच जाएगा। देखो जेड, और वैसे भी 1 माइनस जेड कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि जेड की वैल्यू तो कभी 1 है ही नहीं, है ना। जेड की वैल्यू कभी 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आप कितना भी दूर पॉइंट ले लो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप कितने भी दूर वाले पॉइंट्स ले लो, ये वाला पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके पास वाले मिल जाएंगे, लेकिन जेड की वैल्यू आपको 1 नहीं मिलेगी कभी भी, 1 से हमेशा नीचे मिलेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इससे नीचे हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट यही है। तो आप जैसे ही कितने भी दूर वाले पॉइंट्स ले लो, मैंने यहाँ पर लिया काफ़ी दूर, बोर्ड से बहुत बार है, आप ऐसे लेना, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये भी इससे नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमारी कभी भी जेड की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस पॉइंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सभी की कर जाएगी, और सारे के सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तभी हम उसको कैंसिल करेंगे, नहीं तो 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। इसलिए अब क्या कह रहे थे हम, हाँ, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बाय 1 माइनस जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी अपनी, कैपिटल जेड बाय 1 माइनस जेड, ये आ गया। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 से कर दी और एक बार जेड से कर दी, इज इक्वल टू कैपिटल जेड। अब ये z वाले एक साथ कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कैपिटल z को कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल z की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या चलो कैपिटल z तो आया, कैपिटल x और कैपिटल y यहाँ से निकल जाएंगे, कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x इंटू 1 माइनस z, स्मॉल एक्स इंटू 1 माइनस कैपिटल जेड, एक तो ये वाली वैल्यू है, और कैपिटल वाई की भी ये ऐसे निकाल दो। तो क्यों ना हम एक बार 1 माइनस जेड और निकाल दें, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल, पहले 1 माइनस जेड निकालते हैं, 1 और माइनस जेड, ये मैंने एलसीएम ही ले लिया साथ में, ये बन जाएगा, और आपका जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 बच गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस टर्म। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई बाय 1 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये वैल्यूज आई हैं हमारी, कैपिटल एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई, जेड की भी आ गई। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, अगर आपको मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दूँ, तो आप कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो हमें यहाँ से मैपिंग पता चल चुकी है। चलो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी के बेस पर है। उसमें क्या कहा गया है कि आपकी स्फीयर की रेडियस 1/2 है और सेंटर 0, 0, 1/2 है। तो आप समझ जाना यही तो था वो, है ना। इसका सेंटर भी 0, 0, 1/2 था और रेडियस भी हाफ थी, तो इसी की बात कर रहा वो। हमें ये वाले फॉर्मूले फिर याद होने चाहिए। अब उसने क्या कहा, किसकी इमेज निकालो, 1 + iota की। 1 + iota x + iota y, स्मॉल x की वैल्यू 1 और स्मॉल y की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर पुट करो, स्मॉल x और स्मॉल y सारी वैल्यू 1 पुट करनी है, तो क्या बनेगा, 1 + 1 / 1 + 1 + 1 दैट इज 2/3। यहाँ पर पुट करो 1, 1, 1, 1 तो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया है स्फीयर का, पहले x 1/3, 1/3, 2/3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सेकंड में भी यही है, स्मॉल x की वैल्यू 1 है और स्मॉल y की वैल्यू -1 है, तो वैल्यू पुट कर देना, ये वाली वैल्यू 2/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर -1/3 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसमें क्या कर देगा वो, स्फीयर को ना थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो अब की बार हमें क्या करना है, स्फीयर को कैसे चेंज करना है। ये मान लो हमारा वही कॉम्प्लेक्स प्लेन है, हाफ स्फीयर ऊपर है और हाफ स्फीयर नीचे है। कैसे कहा मैंने, सपोज दिस इज आवर प्लेन, ये प्लेन है और आपके पास जो एक बॉल है स्फीयर टाइप की, उसको आपने बिल्कुल बीच में से कट कर दिया। अब जो हाफ बॉल है वो ऊपर रख दी और हाफ बॉल है वो नीचे की साइड रख दी, तो इसको भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। मतलब कि स्फीयर को सेट करना है ना, तो दो तरीकों से सेट करके देखा उन्होंने। यहाँ पर भी मैपिंग हमें मिल रही थी, तो अब की बार क्या करेंगे, ये हाफ स्फीयर ऊपर और हाफ स्फीयर नीचे रखने के बाद फिर देखेंगे कि हमारी जो मैपिंग है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। अब की बार सब कुछ चेंज हो जाएगा, सेंटर भी, रेडियस भी, मैपिंग भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो कंसंट्रेशन है, कि हम यहाँ पर सेंटर क्या लेंगे, ओरिजन, वहां पर सेंटर क्या था, 0, 0, 1/2। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है दिस इज 0, 0, 0, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है या फिर कह दो कि रेडियस, रेडियस हमारी क्या है, 0, 0, यहाँ पर 1, मतलब कि रेडियस कितनी हो गई, 1 हो गई ना, और पहले रेडियस कितनी थी, हाफ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सेंटर से ये एक्सट्रीम पॉइंट 0, 0, 1 है, ये आ गया। और फिर वही करना है, ये हमारे पास पॉइंट होगा और इसको ऐसे मिला के देखोगे, ये वाला जो पॉइंट है वो 3D में है, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, एंड दिस इज स्मॉल X, स्मॉल Y, 0, दिस इज N एंड दिस इज Q, सेम ही चलेगा। इस तरह से निकाल के देखना अब हमें, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी किया है ना स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में, उसमें तो वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, N, P और Q, दीज आर कोलिनियर, तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकालो, कैपिटल, पहले डायरेक्शन को साइज देखो, N, P के, X माइनस 0, Y माइनस 0, Z माइनस 1, और X माइनस 0, Y माइनस 0, 0, -1, मतलब उसी की तरह चल रही है वाली चीज। तो ये यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो यहाँ पर इनको 0 को हटा देते हैं, ये बन जाएगा, तो वही कैपिटल X की वैल्यू या फिर स्मॉल X की वैल्यू, कैपिटल X बाय 1 माइनस Z और स्मॉल Y की वैल्यू Y बाय 1 माइनस Z, ये आएगा। और वही आप X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर निकाल लोगे, तो X स्क्वायर Y स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल Z का स्क्वायर, ये बनेगा। अब वहां पर तो हमारे स्फीयर की इक्वेशन क्या थी, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस इज इक्वल टू 1/4, यही आई थी ना, X स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस Z माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखो, सेंटर ये है, रेडियस 1 है, तो
एक्स कैपिटल एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, कैपिटल वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, कैपिटल जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्क्वायर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब की बार हमारी स्फीयर की इक्वेशन चेंज हो चुकी है, ये ध्यान रखना। अब की बार ये यूज करनी है और प्रीवियस वन में वो वाली यूज करनी है। तो अब की बार हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, वन माइनस कैपिटल जेड स्क्वायर और यहाँ पर वन माइनस जेड का स्क्वायर। तो ऊपर वाले को ओपन करो, वन माइनस जेड वन प्लस जेड बाय वन माइनस कैपिटल जेड का स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको बताया z की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, कैपिटल z की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम इस पॉइंट पर होंगे और इस पॉइंट की इमेज कभी भी हमें एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी भी हमें नहीं मिलेगी, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी की मिल जाएगी, ठीक है। तो तभी इसको एक स्पेशल पॉइंट बोला जाता है, नोड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को नॉट इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, जैसे कैंसिल करोगे 1 प्लस z और 1 माइनस जेड किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। क्यों ना हम यहाँ से कैपिटल जेड निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार 1 से मल्टीप्लाई की और एक बार जेड से कर दो, माइनस कैपिटल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। अब जो जेड वाले हैं उनको एक साथ रखो, विदाउट जेड वालों को एक साथ। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड कैपिटल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी जेड वाली टर्म्स एक साथ हो गई। इसको आप लिख सकते हो जेड कॉमन लेने के बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कैपिटल जेड की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां से देखो वापिस से कैपिटल x की वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू वन माइनस जेड और कैपिटल y की भी वैल्यू वन माइनस जेड। तो हमें क्या करना है, वन माइनस जेड निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यही करते हैं अभी, वन माइनस जेड और निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस कैपिटल z, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय दिस इज एज इट इज। ये कैंसिल हो गई, ऊपर हमारे पास 2 बच गया, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल z। तो ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, कैपिटल x इज इक्वल टू x बाय 2 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड कैपिटल y 2y 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास देखो कैपिटल z की वैल्यू भी है, कैपिटल x और कैपिटल y सबकी वैल्यू आ गई। अब मैं आपको स्मॉल x और स्मॉल y दूं तो आप वैल्यूज निकाल दोगे, है ना। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में भी सेम ही है, बस अब की बार उन्होंने क्या कहा कि स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और जो रेडियस है वो 1 है, ये कहा है। तो दैट मीन्स वो सेकंड वाले, इस वाले स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमने उसने कहा कि इसकी मैपिंग निकाल कर दिखाओ, तो अब की बार स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 स्मॉल वाई की वैल्यू भी 1। तो ये वाली वैल्यूज आप पुट करो यहाँ पर, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 बाय 3, एक्स और वाई की वैल्यू 1 ही पुट करनी है और कैपिटल वाई की वैल्यू भी 2 बाय 3, कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी आएगी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 1 बाय 3। तो जो पॉइंट आया है वो 2 बाय 3 2 बाय 3 1। इस तरह से आप हमें कोई भी पॉइंट दो, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू दो और हम इनके अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
ये हमारा स्टीरियोग्राफिक जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।